उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं मलिया फूडी में आप सबके लिए लेकर आई हूँ इंडिपेंडेंट डे स्पेशल तिरंगा मटन टिक्का की रेसिपी। तो चलिए हमारी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो तिरंगा मटन टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम गोश्त ली हूँ, उसको मैं बॉईल कर लूंगी। तो मैंने इसमें कुकर में डाल ली हूँ और साथ ही साथ में इसमें ग्रेटेड प्याज डाल दूंगी 1 कप और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़े से खड़ा मसाला। खड़ा मसाले में मैंने 1/2 चम्मच जीरा ली हूँ, 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च में ऐड कर दूंगी। और साथ ही साथ में इसमें नमक डाल दूंगी, नमक हसबे जायका, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें 2 ग्लास पानी डाल दूंगी और हमने इसे कुकर का ढक्कन लगा लेना है और इसकी 2 से 3 सीटी ले लेंगे। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं, 3 सीटी हमारी हो चुकी है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी है, हमने इसे फास्ट फ्लेम पे हमने इसे अच्छे से पानी का खुश कर लेना है। ये देखिए सारा पानी खुश हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया है, अब हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए हमने ये अलग कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरा धनिया ली हूँ और 4 से 5 हरी मिर्चें ली हूँ, इसका मैं एक पेस्ट तैयार कर लूंगी। ये देखिए पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है, अब हम मैरिनेट कर देते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पर हमने 3 बोल ले लिए हैं और तीनों में हम 1 टेबलस्पून दही डाल देंगे। तो सबसे पहले हम ग्रीन कलर तैयार कर लेंगे। अब इसमें मैं जो हमने पेस्ट बनाए थे हरी मिर्ची और कोथमीर का, वो इसमें डाल देंगे। अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दूंगी और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और साथ ही साथ में इसमें 1 पिंच ग्रीन फूड कलर ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा मटन जो हमने बॉईल किए थे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ इसमें 1 टेबलस्पून हम मैदा ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसे मैं साइड में रख लूंगी। तो यहाँ हमने दूसरा बोल आगे ले लिए, इसमें मैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी मैंने
या आप मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह निगेबान।